शांति, अमृत वेले का महत्व और बाप दादा की शिक्षाएं, मर्यादाओं का पालन करो। अमृत वेले से लेकर रात तक की मर्यादा पूर्वक जीवन को अच्छी तरह से जानते हो, उसी प्रमाण चलना, यही पुरुषोत्तम बनना है। जब नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात सर्वसाधारण पुरुषों से उत्तम, तो चेक करो कि हम श्रेष्ठ आत्माओं की पहली मुख्य बात स्मृति उत्तम है। स्मृति उत्तम है तो वृत्ति और दृष्टि स्थिति स्वतः ही श्रेष्ठ है। स्मृति की मर्यादा को जानते हो, मैं भी श्रेष्ठ आत्मा और सर्व भी एक बाप की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वैरायटी आत्माएं वैरायटी पार्ट बजाने वाली हैं। यह पहला पार्ट नेचुरल रूप में स्मृति स्वरूप में रहे। देह को देखते भी आत्मा को देखें। यह समर्थ स्मृति हर सेकंड स्वरूप में आए, स्मृति स्वरूप हो जाएं। सिर्फ सिमरण ना हो कि मैं भी आत्मा, यह भी आत्मा, लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, यह भी है ही आत्मा। इस पहली स्मृति की मर्यादा स्वयं को सदा निर्विघ्न बनाती और औरों को भी इस श्रेष्ठ स्मृति के समर्थपन के वाइब्रेशन फैलाने के निमित्त बन जाते हैं, जिससे और भी निर्विघ्न बन जाते हैं। बाप दादा आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों की प्यूरिटी की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे, प्यूरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्यूरिटी सिर्फ ब्रह्मचार्य व्रत नहीं, ब्रह्मचार्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालतों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यूरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर ज़रा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 13.5 कला नंबरवार हो जाएंगे, तो आप पवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव
करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल लिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक हैं, इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप में चेक करेंगे तो देखो चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीन कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो, खेलो। इसलिए मोटा मोटा रूप ना पुरुषार्थ का रखो ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलहना नहीं देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं? आज्ञाकारी रहने का दृढ़ संकल्प करो। ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप ने बाप की श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर हैं। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है। संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है? अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी? हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना? तो फॉलो करते हो कि कभी परमधाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। हर कर्म में हर समय कदम पर ही कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना? चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्वा के प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से
दिल सदा संतुष्ट रहेगा, मन संतुष्ट रहेगा। दृढ़ता, उमंग उत्साह द्वारा सर्व कमजोरियों की विदाई। आज अपने अंदर रही हुई कमजोरियों को सदा काल के लिए विदाई देने के दृढ़ संकल्प पर बाप दादा भी बधाई देते हैं। इस विदाई की बधाई की हर रोज अमृत वेले स्मृति के द्वारा समर्थ बनाते रहना। स्वयं के समर्थी स्वरूप के साथ साथ सेवा में भी समर्थ स्वरूप लाना है। अमृत वेले सदा यह स्लोगन इमर्ज करना कि सदा उमंग उत्साह में उड़ना है और दूसरों को भी उड़ाना है। बीच बीच में चेक करना, ऐसे नहीं कि अमृत वेले चेक करो और सारा दिन मर्ज कर दो, फिर रात को सोचो कि आज का दिन तो ऐसे ही रहा। नहीं, बीच बीच में चेक करो, इमर्ज करो कि उमंग उत्साह के बजाय कोई और रास्ते पर तो नहीं चले गए, उड़ती कला के बजाय और किसी कला ने तो अपने तरफ आकर्षित नहीं किया। बाप दादा यही कहते हैं कि सदा यह संकल्प अमृत वेले इमर्ज करना कि हमें निर्विघ्न रहना ही है और कोशिश वाले सदा अमृत वेले योग के बाद यह दृढ़ संकल्प रिवाइज करो कि हिम्मते बच्चे मददे बाप हैं, तो इससे कोशिश करने के बजाय सफलता अनुभव करते जाएंगे। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेले जैसे रू रूहान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। अमृत वेले रू रूहान तो करते हो तो बाप दादा को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, अपनी बातें जानते हो ना, तो अब दृढ़ता को अपनाओ। उल्टी बातों में दृढ़ता नहीं रखना, क्रोध करना ही है, मुझे दृढ़ निश्चय है, ऐसे नहीं करना। अपने को स्वराज्य अधिकारी बनाओ। कई बच्चे अमृत वेले रू रूहान करते हुए बाप से पूछते हैं कि हम भविष्य में क्या बनेंगे, राजा बनेंगे या प्रजा बनेंगे। बाप दादा बच्चों को रिस्पॉन्ड करते हैं कि अपने आप को एक दिन भी चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि मैं राजा बनूंगा, वह साहूकार बनूंगा, वह प्रजा बनूंगा। पहले अमृत वेले से अपने मुख्य तीन कारोबार के अधिकारी, अपने सहयोगी साथियों को चेक करो। वह कौन? मन अर्थात संकल्प शक्ति, बुद्धि अर्थात निर्णय शक्ति, पिछले व वर्तमान को वर्तमान के श्रेष्ठ संस्कार। यह तीनों विशेष कारोबारी हैं। जैसे आजकल के जमाने में राजा के साथ महामंत्री व विशेष मंत्री होते हैं,
उन्हीं के सहयोग से राज्य कारोबार चलती है। सतयुग में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन समीप के संबंधी साथी होंगे। किसी भी रूप में साथी समझो व मंत्री समझो, लेकिन यह चेक करो, यह तीनों स्व के अधिकारी से चलते हैं। इन तीनों पर स्व का राज्य है व इन्हों के अधिकार से आप चलते हो। मन आपको चलाता है या आप मन को चलाते हैं? जो चाहो जब चाहो वैसे ही संकल्प कर सकते हो। जहाँ बुद्धि लगाने चाहो वहाँ लगा सकते हो। वह बुद्धि आपको राजा को भटकाती है। संस्कार आपके वश हैं या आप संस्कारों के वश हो? राज्य अर्थात अधिकार, राज्य अधिकारी जिस शक्ति को जिस समय जो ऑर्डर करे वह उसी विधि पूर्वक कार्य करते व आप कहो एक बात वह करे दूसरी बात। क्योंकि निरंतर योगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनने का विशेष साधन ही मन और बुद्धि है। मंत्र ही है मन मनाभव का है। योग को बुद्धि योग कहते हैं। अगर वह विशेष आधार स्तंभ अपने अधिकार में नहीं है, वह कभी है कभी नहीं है, अभी अभी है अभी अभी नहीं है, तीनों में से एक भी कम अधिकार में है, तो इससे ही चेक करो कि हम राजा बनेंगे व प्रजा बनेंगे। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल के भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर कभी अधिकारी कभी वशीभूत हो जाते हो तो आधा कल्प अर्थात पूरा राज्य भाग्य का अधिकार प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अपना ऑक्यूपेशन याद रखो। नेक्स्ट पॉइंट, अमृत वेले और फिर सारे दिन में बीच बीच में अपना ऑक्यूपेशन याद करो। मैं कौन हूँ? क्योंकि काम करते करते यह स्मृति मर्ज हो जाती है कि मैं राजयोगी हूँ, इसलिए इमर्ज करो। ये नियम बनाओ, ऐसे नहीं समझो कि हम तो हैं ही राजयोगी, लेकिन राजयोगी की सीट पर सेट होकर रहो, नहीं तो चलते चलते कर्म में बिजी होने के कारण योग भूल जाता है, सिर्फ कर्म ही रह जाता है। लेकिन आप कर्म योगी कंबाइंड हो। योगी सदा ही रूलिंग पावर कंट्रोलिंग पावर में रहे, फिर राजयोगी डबल पावर वाले कभी भी व्यर्थ सोच नहीं सकते। तो अभी कभी नहीं कहना, सोचना भी नहीं कि राजयोगी वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अमृत वेले से रात तक बस बाप और सेवा, इसके सिवाय और कोई लगन ना रहे। बाप मिल और सेवाधारी बने, क्योंकि जो मिला है उसको जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। एक दो और पदम पाओ। यही याद रखो कि हम
सर्व भंडारों के मालिक हैं, भरपूर भंडारे हैं, जिसको दुनिया ढूंढ रही है उसके बच्चे बने। दुख की दुनिया से किनारा कर लिया, सुख के संसार में पहुंच गए, तो सदा सुख के सागर में लहराते, सबको सुख के खजाने से भरपूर करो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।